Okay, now we will discuss about the third point of the first law of motion. Inertia of direction. देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमें ये स्टडी करना है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा जब तक कि उस पर क्या नहीं लगेगा, जब तक कि उस पर हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू मूव along the same straight line unless compelled to change that direction by an external applied force. ये इसकी भी डेफिनेशन। देखिए ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगा जब तक कि उसको क्या नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा। और वो कंपेल कैसे कर सकते हैं, तो आंसर है फोर्स लगा करके। तो जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाते ही उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो बिना फोर्स के इफेक्ट में जब तक फोर्स नहीं लगेगा तो उस समय तक वो उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, उसी स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम लोग कार और बस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम लोग बस या कार का एग्जाम्पल लेंगे और ये बताएंगे कि जब ये बस या कार क्या करती है, टर्न्स शार्पली, अचानक से मुड़ जाती है। जब बस या कार कोई भी टर्न आता है तो उस पर वो अचानक से मुड़ जाती है, टर्न शार्पली। तो उस केस में क्या होता है, वी टेंड टू फॉल साइडवेज। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस अचानक से लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही टर्न होगी, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग राइट डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा किस कारण से हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि बस पहले स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो हमारी बॉडी भी बस के साथ साथ मोशन में थी और हम भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। अब बस अचानक से लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ गई, तो जैसी लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ती है, हम अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करना चाहते हैं। हमारी जो बॉडी है वो मोशन में है और वो सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम राइट साइड में फॉल हो रहे हैं, राइट डायरेक्शन में फॉल हो रहे हैं। तो यही तो लिखा गया, वी टेंड टू फॉल साइडवेज, साइडवेज साइड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और बस अगर अचानक राइट साइड में टर्न लेगी तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में फॉल होने शुरू हो जाएंगे। और ये बेसिकली किस वजह से होगा, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बस या कार जब टर्न करती है शार्पली, और उस समय पर हमारी जो बॉडी है, इट विल टेंड टू फॉल साइडवेज। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में बस मुड़ेगी तो हम राइट साइड में फॉल होंगे, और अगर राइट साइड में बस या कार टर्न होगी तो हम लेफ्ट साइड में क्या होंगे, फॉल होंगे। सो दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी चल रही, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है क्योंकि बस क्या करती है, हम पर फोर्स लगाती है, और फोर्स लगा करके हमारी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को भी क्या कर देती है, चेंज कर देती है। और बिना फोर्स के तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकती है। ओके, तो ये सबसे पहला एग्जांपल होगा इसमें। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में।
ठीक है, तो इसमें सेकंड एग्जांपल आप लोग किसका लेंगे, जैसे कि हम लोग किसी स्टोन को वर्ल करते हैं, वर्ल का मतलब होता है कि घुमाना, वर्लपूल बोला जाता है ना, वर्लपूल क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो मशीन क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन जैसे वर्लपूल लिखा होता है, तो बेसिकली वर्ल का मतलब क्या होता है, वर्ल का मतलब होता है घुमाना, चक्रवात। तो हम लोग उसके अंदर मोटर जो लगी होती है वो वाटर को क्या करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वाटर रोटेट करना शुरू करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया वर्ल। एनीवेज जो स्टोन है उसको वर्ल करेंगे, वर्ल करने का मतलब है कि आपको उसके साथ थ्रेड को बांधना पड़ेगा और उसको सर्कुलर मोशन करवाना पड़ेगा। जैसे ये स्टोन है तो यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, इसने सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई किया अपने हाथ से, यहाँ से इसके साथ ये थ्रेड बंधा हुआ है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम करेगा और ये स्टोन को क्या कर रहा है, ये स्टोन को इस तरह का सर्कुलर मोशन करवा रहा है और ये सर्कुलर मोशन स्टोन कर रहा है। ठीक है, अब जब क्या होगा, ये थ्रेड कट जाएगा, ये थ्रेड ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा किसी भी लोकेशन पे, तो क्या होगा, तो आंसर है कि ये स्टोन कैसा मोशन करेगा, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। तो जब तक इस पर फोर्स लग रहा है, तो जब तक इस पर क्या लगेगा, जब तक इस पर फोर्स लगेगा तब तक इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी चेंज। तो ये स्टेटमेंट यहां पर देखिए लिखी हुई है, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट डायरेक्शन बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो बेसिकली अप्लाइड फोर्स लगा करके ही तो इसकी डायरेक्शन चेंज की जा रही है, ये अपने आप सर्कुलर मोशन थोड़ी कर सकते हैं, बार बार क्या करना पड़ेगा, इसके मोशन की डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जा सकता है, तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसके मोशन की डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो जहां पर भी इसका मोशन की डायरेक्शन आपको बतानी है, आपको वहां पर क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा तो उस समय पर ये टेंजेंट होगी, जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी, दिस इज द टेंजेंट, यहाँ पर होगा तो ये टेंजेंट है। तो किसी भी जगह पर अगर आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, तो टेंजेंट ड्रॉ करके बता सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये वो पोजिशन है जहां पर ये थ्रेड जो है वो ब्रेक हो रहा है, अब थ्रेड जो ब्रेक हो जाएगा तो उस समय पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो ये तो लिखा हुआ है कि जब तक फोर्स लग रहा है तब तक डायरेक्शन बदलेगी, और जैसे ही फोर्स लगना बंद होगा इसकी डायरेक्शन चेंज होनी बंद हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, अब ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। तो जब हम लोग स्टोन को वर्ल करते हैं, घुमाते हैं एक सर्कुलर पाथ पे, तो हम लोग अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगाते हैं और मस्कुलर फोर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करते हैं मस्कुलर फोर्स, और इस स्टोन की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली क्या करता जाता है, चेंज करता जाता है। और जैसे ही ये स्ट्रिंग या थ्रेड ब्रेक होता है तो स्टोन क्या करता है, स्टोन फ्लाई होता है कैसा, टेंजेंशियली। तो इसमें लिखा जाएगा, तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है, स्टोन को हम लोग क्या करवाएंगे, वर्ल करेंगे या हम लोग इसको एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाएंगे, और सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के बाद इसकी जो स्ट्रिंग है दैट ब्रेक्स, और स्ट्रिंग जैसे ही ब्रेक होगी द स्टोन विल मूव टेंजेंशियली, द स्टोन विल मूव टेंजेंशियली इन द स्ट्रेट लाइन। देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में तो हम ये बता रहे थे कि कार या बस स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और जैसे ही वो टर्न करती है तो हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण उसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है, तो साइडवेज में फॉल हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अपोजिट है, इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक फोर्स लग रहा है तब तक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्रेक हुई, सेंट्रिपिटल फोर्स लगना बंद हुआ, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होना बंद हो गया, उस समय पर ये स्टोन कैसा जाएगा, टेंजेंशियली मूव करेगा। तो टेंजेंशियली मूव करेगा, ये डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ करके ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो जहां पर भी ये स्टोन होगा वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये बताएगा कि ये स्टोन किस डायरेक्शन में जाने वाला है अगर इस पोजीशन पर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। तो ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल होगा। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, नाइफ को शार्प करते हैं,
तो नाइफ को या सीजर को, कैंची होती है सीजर, उसको शार्प करते हैं। शार्प करने के लिए देखिए किस तरह के स्टोन का यूज किया जाता है। एक बड़ा सारा ऐसा स्टोन होता है, उस स्टोन के साथ में मोटर के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे। और नाइफ को शार्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस पोजीशन पर इसके साथ नाइफ को रब करते हैं, और नाइफ को जैसे ही रब करते हैं उसके कॉर्नर जो है वो शार्प होने शुरू हो जाते हैं, और कॉर्नर शार्प होंगे तो फिर वो किसका वर्क कर सकता है, कटिंग का वर्क कर सकता है। तो ये जो नाइफ है इसके जो कॉर्नर, इसका जो साइड्स हैं, उसको हम लोग इस स्टोन के साथ क्या करते हैं, स्टोन के साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं। तो जैसे ही स्टोन के साथ कॉन्टेक्ट में आता है, स्टोन रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आपको स्पार्क दिखेंगे, और वो स्पार्क कैसा जाएंगे, तो जैसे ही आप इस नाइफ को, इस मेटल को, इस आयरन के नाइफ को आप यहाँ पे रब करेंगे, या स्टील के नाइफ में यहाँ पे इसके स्टोन के ऊपर जो स्टोन रोटेट कर रहा है उस पर रब करेंगे, रब करते ही क्या होगा, यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस होंगे, और वो स्पार्क कैसे जा रहे होंगे, वो स्पार्क जाएंगे टेंजेंशियली। तो ये स्पार्क एक्चुअल में क्या है, स्पार्क एक्चुअल में स्टील के पार्टिकल्स है। ये जो स्टील का नाइफ था इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स इस स्टोन के साथ रब होकर के, गर्म होकर के इससे बाहर निकलते हैं, और वो इतने गर्म होते हैं कि ग्लो कर रहे होते हैं, प्लाज्मा की स्टेट में होते हैं, ग्लो कर रहा, ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं तो प्लाज्मा की स्टेट में। तो ये होती है स्पार्किंग। एनीवेज, ये स्पार्किंग कैसे प्रोड्यूस होती है ये हमारा समझने का मकसद नहीं है, हमें ये समझना है कि वो स्पार्क कैसा जाएगा, स्पार्क जाएगा स्ट्रेट लाइन में, और कैसा मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा। तो जब हम नाइफ को इस रोटेटिंग स्टोन पे रब करेंगे तो यहाँ से जो स्पार्क प्रोड्यूस होंगे इट विल मूव टेंजेंशियली, ये भी कैसा जाएंगे, ये भी टेंजेंशियली ही मूव करेंगे। तो ये एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं, और इसके अलावा इसमें मड का एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कार और बाइक के टायर्स होते हैं, उन टायर्स के साथ में मड स्टिक हो जाती है, और जब वो कार या बाइक को हम लोग चलाते हैं तो उस समय पे टायर जब रोटेट करता है तो रोटेशन के कारण आपने देखा होगा कि जो मड है वो भी कैसा मूव करती है, वो भी टेंजेंशियली मूव करती है, वो भी कैसा मूव करती है, टेंजेंशियली मूव करती है। सेम ऐसा ही एग्जांपल है। तो जैसे टायर है, ये टायर ऐसा रोटेट कर रहा है, इसके साथ में ये मड लगी हुई है, और ये मड इसके साथ अभी तक ऐसा रोटेट कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये वो पोजिशन है जहां पर मड इससे क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। तो जब तक ये इसके साथ स्टिक थी तब तक इस पर फोर्स लग रहा था और ये टायर के साथ रोटेट कर रही थी। तो जब तक मड का ये पार्टिकल इसके साथ स्टिक था तब तक वो टायर के साथ फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था और इसके साथ साथ रोटेट कर रहा था। डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही थी कंटिन्यूसली क्योंकि इसके साथ स्टिक था, चिपका हुआ था उस समय। अब देखिए, अब जैसे ही यहां पर आया ये इससे अलग हो गया, इससे अलग हो गया तो फोर्स लगना बंद हो गया, और फोर्स लगना बंद हो गया तो अब कैसा मूव करेगा, अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो जब तक फोर्स लग रहा था तब तक ऐसा रोटेट कर रहा था, और जैसे ही इससे अलग हुआ, डिटैच हुआ, डिटैच होते ही इस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और फोर्स लगना बंद होगा तो ये कैसा मूव करेगा, ये टेंजेंशियली मूव करेगा। तो जो टायर्स के साथ में मड स्टिक होती है वो भी इससे अलग होती है, डिटैच होती है, और कैसा मूव करती है, टेंजेंशियली मूव करती है। ओके, सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के 3-4 एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ी है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स की और भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। जैसे कि हमने फोर्स की स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या लिखी थी, फोर्स की हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी, ए फोर्स, ए पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या पुश करना उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग फोर्स बोलते थे। और इस फोर्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम उसको पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट करना मतलब ऊपर की तरफ उठाना। तो ये सारे हमने फोर्स की डेफिनेशन में लिखे थे। अभी मैं फोर्स की आपको एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ। ए फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। तो यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने ये स्टडी किया, ए फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या चेंज करना चाहता, टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, टेंड्स टू चेंज
स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए ये डेफिनेशन क्या है, फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने यही तो स्टडी किया कि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब तक ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता, तब तक उसका स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं है। तीनों ही चेंज नहीं होंगे, ना तो रेस्ट की स्टेट, ना वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, ना मोशन से रेस्ट में आ सकता है, और ना ही उसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने जो भी इनर्शिया के बारे में स्टडी किया वो यही बता रहा है कि फोर्स लगाने से ही ये सब चेंजेस आएंगे, रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट में आना या उसकी डायरेक्शन का चेंज होना। तो फोर्स की हम ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर अगर फोर्स के बारे में पूछा जाता है व्हाट इज फोर्स, तो आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने लिखी थी, वो डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा मैं अभी आपको एक और डेफिनेशन इसमें एक्सप्लेन करता हूं। ए फोर्स इज समथिंग फोर्स इज समथिंग, आप ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस ए फोर्स इज समथिंग विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन ए बॉडी। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन ए बॉडी, तो ये डेफिनेशन भी इसमें लिखी जा सकती है फोर्स। ओके, तो इसमें सेकेंड डेफिनेशन ये है, ए फोर्स इज समथिंग विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इन ए बॉडी। देखिए फोर्स ही वो इफेक्ट है या फोर्स के कारण ही वो इफेक्ट आता है कि जिसके कारण ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। वेलोसिटी का इंक्रीज होने का मतलब है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डिक्रीज होने का मतलब है रिटार्डेशन। तो जब हम लोग क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, तो अगर हम मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ये बात याद रखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, मोशन चैप्टर में। और रिटार्डेशन का क्या मतलब है, रिटार्डेशन का मतलब ये है कि हम लोग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो ऑलरेडी 40 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या इफेक्ट आएगा, तो आंसर है उसकी वेलोसिटी पर सेकंड डिक्रीज होती जाएगी। और पर सेकंड जितनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसी को तो क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो इफेक्ट आता है वो भी किस वजह से आता है, वो भी फोर्स की वजह से आता है। और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का सीधा सा मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज होना ये भी फोर्स का ही इफेक्ट है। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं फोर्स के लिए। तो अभी तक मैंने आपको फोर्स की तीन डेफिनेशन बता दिए, आपको जो अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की, नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। पहले मोमेंटम को समझते हैं और फिर हम उसके बाद में न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बार बार हम लोग मोमेंटम वर्ड का यूज करेंगे। तो पहले सबसे पहले मोमेंटम को ही समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, मोमेंटम डेफिनेशन बड़ी आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम।
इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम, उसे बॉडी का मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को किससे लिखा जाता है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, इसको स्मॉल पी से लिखते हैं। और देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये क्वांटिटी क्यों बनाई गई उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। मोमेंटम को किससे लिखते हैं, अभी बताया मैंने आपको, स्मॉल पी से लिखा जाता है मोमेंटम को, मास को लिखते हैं स्मॉल एम से, और वेलोसिटी को लिखा जाता है स्मॉल वी से। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो आपको ये भी याद रखना है दैट मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किसकी यूज करनी है? तो आंसर है जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, डायरेक्शन ऑफ वी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो ये भी याद रखना है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शन होगी इसमें। ओके, अब ये क्वांटिटी किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? अच्छा, इसके यूनिट क्या होगी? यूनिट फॉर्मूला से बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मास को किसमें मेजर करते हैं? तो आंसर है मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में। वेलोसिटी को किसमें मेजर करते हैं? वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देख लीजिए, मास को लिखते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड में। तो किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड से, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, ये मोमेंटम का यूज हम लोग, देखो ये क्वांटिटी क्यों बनाई गई। सबसे पहली बात, जिस भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होता है उस ऑब्जेक्ट के पास एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? तो आंसर है फोर्स लगाने की। तो ये भी एक मेथड है फोर्स लगाने का। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्या किया, इसको थ्रो किया मैंने 40 मीटर पर सेकंड से। तो इस ऑब्जेक्ट के पास मास है, हम लोग इसको वेटनिंग मशीन पे रखते हैं तो कुछ ग्राम्स के अंदर 200 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलोग्राम इसका मास है। तो इसका कुछ ना कुछ मास है, और अगर हमने इसको वेलोसिटी दे दी तो मास इनटू वेलोसिटी इसके पास क्या आ चुका है? इसके पास मोमेंटम आ चुका है। तो हमें क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, सारे ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, तो हमें उसको क्या करना है, फोर्स लगा करके वेलोसिटी देनी है। तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब कि इसके पास मोमेंटम आ जाएगा। अब मोमेंटम आ जाएगा तो ये क्या कर सकता है, ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स कैसे अप्लाई करेगा? अब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वो ऐसा ट्रेवल कर रहा होगा, तो वो जाकर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉलिजन कर सकता है, और कॉलिजन में क्या अप्लाई करेगा? तो आंसर है फोर्स अप्लाई करेगा। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम था। मोमेंटम क्यों था? क्योंकि इसके पास मास था और हमने इस पर फोर्स लगा करके इसको क्या दे दी, इसको वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दी। तो मास इनटू वेलोसिटी इसके पास मोमेंटम है, और इस मोमेंटम के कारण ये जिसके साथ भी जाकर के कोलाइड करेगा, जिसके साथ भी जाकर के कॉलिजन करेगा, उस पर क्या अप्लाई करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जिस भी बॉडी के पास मोमेंटम होता है उसके पास क्या एबिलिटी होती है? तो आंसर है फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है। द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग मोमेंटम, इट इज हैविंग द एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स। और ये फोर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है सिर्फ एक ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको कॉलिजन करना पड़ेगा। किससे कॉलिजन करना पड़ेगा? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जिस पर फोर्स लगाना है। अब जैसे ये चौक है, चौक को ऐसा थ्रो करते हैं, तो ये जाकर के जिससे भी कोलाइड करेगा, टकराएगा, उस पर क्या अप्लाई करेगा? उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, तो ये बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट का मोशन में होना जरूरी है, मोशन में होना जरूरी है, और जब तक मोशन में होगा तब तक उसके पास मोमेंटम होगा। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। देखो, ऑब्जेक्ट का मास तो होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। मास तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 50 ग्राम या 1 किलोग्राम, जो भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे, इट इज हैविंग मास। वेलोसिटी, जब वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो उसका मोमेंटम भी जीरो है। अगर मोमेंटम जीरो है तो उसके पास फोर्स लगाने की एबिलिटी नहीं है, वो किसी से जाकर के कोलाइड नहीं कर सकता।
ट्रेवल नहीं कर सकता, कोलाइड भी नहीं कर सकता और ट्रेवल करके नहीं जा सकता। तो जिसके पास मोमेंटम होगा वो ट्रेवल भी करेगा, वो मोशन में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इतना मोमेंटम है, इस ऑब्जेक्ट का इतना मोमेंटम है, आपको पर्टिकुलर वैल्यू बताई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में, और वो कोलिजन करके क्या अप्लाई कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बड़ी आसान है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। जो भी बॉडी के पास मास है उसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, उन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, मोमेंटम। मोमेंटम को लिखते हैं स्मॉल पी से, मास को लिखते हैं स्मॉल एम से, वेलोसिटी को लिखते हैं स्मॉल वी से। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी मोमेंटम की। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, वही मोमेंटम की डायरेक्शन है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला से हमने इसकी एसआई यूनिट बना ली। फॉर्मूला में लिखा हुआ है मास, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये फोर्स कैसे अप्लाई करेगा, जिसके पास मोमेंटम होगा वो कोलिजन करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। सो दिस इज अबाउट द मोमेंटम। तो ये हमने मोमेंटम का इंट्रोडक्शन अब पढ़ लिया। अब कल हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को।